जितना जीना था जी ले, अब आनंद ले अपनी जीने का। हेलो गाइज, मैं हूं आप लोग का होस्ट और दोस्त आरजे सत्या। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव सत्या वन। गाइज, आज मैं आप लोग को एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जो आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर लाएगी। गाइज, आलस्य यानी लेजीनेस, ये दुनिया की लगभग 80% लोग में आज के टाइम यानी काम ना करने के बहाने निकालना, कल करेंगे या परसों करेंगे, इतना छोटा सा काम है कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, बहुत सारे बहाने। सो गाइस, इनको आपकी ज़िंदगी से निकाल दीजिए आप, और जो भी काम मिलता है उसे अगर कल करना है तो उसे आज करने की आप कोशिश करो, और पूरी ईमानदारी से करो। आजकल बहुत लोग जल्दी फेमस होना चाहते हैं गाइस, लेकिन गाइस मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहती हूँ, ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो आपको जल्दी फेमस बना दे। यानी आप जो भी लक्ष्य रखकर काम कर रहे हैं उस पर डटे रहना होगा आपको, बहुत कड़ी मेहनत करना होगा इस कंपटीशन दुनिया में, आज की दुनिया में। खुद का दम पर घास काटो गाइज, एक कहावत है ना, खुद का दम पर घास काटो लेकिन दूसरे के बात पर घोड़े पर मत बैठो। यही बात आपको अपनी जिंदगी में लाना होगा गाइज। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ गाइस, इसको ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा। इसको आप लोग अगर समझ लेंगे तो आपकी दुनिया में बहुत, आपकी जीवन में बहुत बदलाव आएगी गाइस, आपकी बड़े बड़े परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। दरअसल कहानी एक चिड़िया और एक व्यापारी की। एक चिड़िया बहुत सुंदर था और वो जंगल में घूम कर कीड़े खा कर अपने पेट पालता था। एक दिन वो क्या हुआ, वो जंगल से एक व्यापारी जा रहा था, वही जंगल से एक बैग में कुछ मछली भरकर वो बेचने बाजार ले जा रहा था, और उसको बेच के वो पंख, उससे पंख खरीद के वो लाना था। चिड़िया ने व्यापारी को रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? व्यापारी ने बोला, मछली बेचने जा रहा हूँ और पंख खरीदने। चिड़िया ने बोला, मेरे पास पंख है तो आप एक काम कीजिए, मुझे मछली दीजिए खाने को और आप मेरी पंख लीजिए एक एक करके। तो व्यापारी ने वही किया, रोज मछली देता था और यहीं से पंख ले जाता था, तो उसको भी आसानी हो गया। एक दिन उस चिड़िया का सभी पंख खत्म हो गया और वो अब उड़ भी नहीं सकता था, तो खाना कहाँ से ढूंढेगा। तो व्यापारी तो अपनी मतलब की है, तो उसको जब पंख नहीं मिलेगा तो वो थोड़ी ना खाना देगा उसको, तो उसने खाना देना बंद कर दिया। तो चिड़िया धीरे धीरे बिना भोजन के कमज़ोर होने लगा गया, और कुछ दिन बाद उसकी भूखमरी के कारण उसकी मौत हो गई। तो गाइस, ज़िंदगी में शॉर्टकट की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि जो भी शॉर्टकट अपनाता है वो कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है, ये 100% सच है गाइस। इसको आप माने या ना माने, इसको आपको जरूर मानना है, तभी जाकर आप सफल बनेंगे। सो गाइज, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव सत्यावान, ताकि ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल वाली वीडियो दूसरों को भी अपनी ज़िंदगी में उतारने का मौका मिल सके। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में बदलाव कुछ आ सके, कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ वो लोग भी कर सके। सो थैंक यू गाइज।